Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are doing well. Let's we start new dish. So today I am making chicken karaie. तो उसमें मैंने लिए हैं 8 टमाटर, 2 चमचे धनिया, साबुत धनिया, 2 चमचे मैंने लिए हैं सौंफ, थोड़े से मैंने 1 चमचा समझ लें आप काली मिर्च ली हैं, 7-8 मैंने इसके अंदर लौंग ली हैं, दालचीनी के 2-3 स्टिक लिए हैं छोटे छोटे, 2 चमचे मैंने जीरा लिया है, कुटा हुआ अदरक लिया है 2 चमचे, 2 चमचे मैंने लहसुन लिया है देसी, हरी मिर्चें ली हैं 12 के करीब, और एक टुकड़ा मैंने अदरक का गार्निश के लिए इसे काट लिया है बारीक बारीक, 1 चमचा मैंने नमक लिया है, 1 किलो मेरे पास चिकन है, ऑलिव ऑयल है, और गार्निश के लिए हरा धनिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम, चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग से। हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में, ठीक है, आपको पता है मैं बहुत कम ऑयल में खाने बनाती हूँ। और ये मैंने 4 टीस्पून के करीब ऑयल लिया है, और इसमें मैं सिर्फ इसे हल्का सा बस इसमें जैसे कि एक कड़कड़ाने की आवाज़ आ जाए। अच्छा देखें, एक ये स्पून होता है जिसमें प्लास्टिक लगी होती है ना, अगर इसको हम मुसलसल चलाते रहते हैं ना तो इसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक ना हमारे खानों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैंने ये लकड़ी का स्पून लिया है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत हल्के से पहले इसको कर लिया, इसमें कड़कड़ाने की आवाज़ शुरू हो गई थी, तो मैं अब इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी सबसे पहले। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी जगह बनाऊंगी बीच में, और यहाँ मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी, जब तक थोड़ा मिक्स होगा उसके बाद मैं इसमें गोश्त को ऐड करूंगी, फ्लेम हाई कर दूंगी। असल में इस तरफ मेरे पास दीवार है, तो मैं इस वजह से मैंने ये दोनों साइडें आमने सामने रखी हैं, ठीक है। जब तक ये थोड़ा सा होगा, मैं प्याज इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपने तरीके से कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, लास्ट में मैं इसे कोयले का दम दूँगी, मैंने अभी यहाँ कोयला नहीं रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। जब तक ये टमाटर थोड़े गलते हैं तो फिर मैं वापस आती हूँ। देखें, अब हमारे टमाटर थोड़े गल चुके हैं इसके अंदर, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ साथ में, ठीक है। अच्छा, जब तक चिकन इसके अंदर ऐड होगा तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। एक मिनट, पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ थोड़ा, ये इसमें मैंने बस मिक्स करके मैं इसे ढक रही हूँ, ठीक है, कवर कर दिया। अब मैं इसको ना ग्राइंडर कर लेती हूँ, इसको ग्राइंडर करके इसमें ऐड करूँगी। हमने इसे बारीक ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है, ये आपके सामने है। अच्छा, लास्ट में मैं जब गार्निश करूँगी अदरक के टुकड़े से और हरे धनिया से, तो बस ये एक ढक्कन इसका मैं अरके गुलाब इसमें डालूँगी, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है। जी हाँ, मैं अभी इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि इसमें टमाटर अच्छे से मर्ज हो जाए, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसमें मर्ज हो जाए चिकन में, ठीक है। देखें, टमाटरों के पानी से ही मैं इसे बनाऊँगी, मुझे इसमें कोई पानी नहीं ऐड करना है। अब मैं इसमें ये जो मैंने धनिया और सौंफ पीसा था, मैं इसको ऐड करने लगी हूँ इसमें। चलें फिर अभी बताते हैं जब तक ये बनता है, इसका पानी ड्राई हो जाए तो मैं वापस आती हूँ। मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 3 टेबल स्पून और हल्दी 1 टेबल स्पून लिया है, इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी साथ में। इसे अच्छे से मैश कर दूँगी,
देखें सब कुछ वन बाय वन मैं आपके सामने करती जा रही हूँ, ठीक है। बस इसका मुझे पानी ड्राई करना है, जब तक पानी ड्राई होगा तब तक चिकन हमारा गल जाएगा। इसमें मैं जो गार्निश के लिए मैंने सामान लिया है इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड करने लगी हूँ। असल में हरी मिर्चें बिल्कुल गायब हो जाती हैं तो इसलिए मैं थोड़ी देर से डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी डाल दी हैं, थोड़ी बाद में डालूँगी गार्निश के वक्त। इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम फिर से आते हैं, चेक करते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें मैं अपना नमक ऐड कर देती हूँ, नमक को ऐड करने लगी हूँ, नमक को ऐड करने लगी हूँ और दूसरा एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैं साथ में जो मेरे पास कोयला है इसको धोने के लिए मैं रेडी करती हूँ, ठीक है। जब तक ये होगा तब तक हम इसे थोड़ा भून लेते हैं। हाई फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी अब अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कढ़ाई को भून लिया है, अब हम इसमें हरे धनियों को ऐड करने लगी हूँ। इसमें हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया और साथ में ये जो अदरक के पीसेस थे और ये हरी मिर्चें, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से मैश करके मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भून के इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें कोयले की धुनी देने लगी हूँ। मैंने ये कटोरी धुनी के लिए भी रखी हुई है और मैं अपने कोयले को उठाती हूँ और यहाँ रखती हूँ। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ठीक है, और मैं इसको अब अच्छे से ढक दूँगी तो ये हमारी इसमें धुंधली लग जाएगी और ये बहुत मज़ेदार, यम्मी, खाने में टेस्टी और विदाउट ऑयल, समझ लें थ्री टी स्पून कुछ भी ऑयल नहीं होता है और वो भी ऑलिव ऑयल है, तो इसमें बहुत अच्छी से खुशबू के साथ बहुत अच्छा सा खाना तैयार हो जाएगा। फिर जब धुंधली लग जाती है फिर मैं आपको दोबारा भी खाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसमें एक जो इसका एक ढक्कन इसके अंदर केवड़ा ऐड करना है, ठीक है। ये हमारी अच्छी सी धुनी इसमें लग चुकी है और इसमें मैं एक ढक्कन केवड़ा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा बस मैं टाइम और दूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा बन जाए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। तो गर्मा गर्म हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपसे करूंगी एक छोटी सी बात। कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।